साथियों, हिमाचल में इलेक्शन और सिलेक्शन का मौसम आ चुका है। इलेक्शन हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का, हालांकि वो अभी दूर है, लेकिन सिलेक्शन इनटू हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम, ये मौसम भी हमारा आ चुका है, क्योंकि नोटिफिकेशन फॉर एचपीएस 2021 एग्जाम रिलीज हो चुकी है और बहुत सारे हम एस्पिरेंट्स जुट चुके होंगे अब प्रिलिमिनरी स्टेज की तैयारी करने में। तो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं पांच वो चीजें जिसका आपको ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक्स आप बिल्कुल कमिट ना करें, इन चीजों को आप अवॉइड करें बिफोर स्टार्टिंग योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन फॉर एचपीएस एग्जाम। एचपीएस एग्जाम को मैंने भी अटेम्प्ट दिया है, मैंने भी प्रिलिमिनरी स्टेज के एग्जाम को अटेम्प्ट किया है, मैंने क्रैक भी किया है, एक बार नहीं दो बार मैंने एचपीएस के प्रिलिम्स स्टेज को क्रैक करके मेंस एग्जाम लिखा है। और अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ ऐसी फंडामेंटल मिस्टेक्स होती हैं, गलतियां हमसे हो जाती हैं एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले या प्रिपरेशन के शुरुआती स्टेजेस में भी। कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि ये गलतियां हम कर रहे हैं और ये जानबूझ के गलतियां हम कर भी नहीं रहे होते। एक एक करके इन मिस्टेक्स की मैं बात करता हूं। सबसे पहले मिस्टेक नंबर वन दैट मेनी एस्पिरेंट्स कमिट कि अब एग्जाम की सारी बुक्स मैंने खरीद ली हैं, सिलेबस मैंने पढ़ लिया है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिमाचल जी के करंट अफेयर आने वाला है और मैंने बहुत सारे सोर्सेस से पता कर लिया है कि इन चीजों को कवर किन किन बुक्स से, एनसीईआरटी से, रेफरेंस बुक से, बलोकरा से पढ़ना होता है, सारी किताबें इकट्ठी करके मैंने रख ली है और अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन ना मेरे पास कोई प्लान है, ना मेरे पास कोई टाइम टेबल है और ना ही मेरे पास अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का कोई तरीका है। सो विदाउट प्लानिंग, विदाउट एनी टाइम टेबल, विदाउट एनी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कि मेरी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो रही है, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया तो बहुत ज्यादा रिस्क है कि आप सिर्फ प्रिपेयर करते रह जाओगे, एग्जाम के टाइम तक आप रेडी नहीं हो पाओगे एग्जाम के लिए। जैसे कि मैंने भी जब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया तो सबसे पहले हमारे अंदर जोश होता है कि हम सारी किताबों को, सारे सोर्स को इकट्ठा कर लें और उसके बाद हम लगातार पढ़ना शुरू करें और बस पढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, हमारे पास कोई टाइमलाइन नहीं है। इसीलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो, एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक प्लान्ड मैनर में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, अपने सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करो, सोर्सेज को आइडेंटिफाई जरूर करो और फिर एक टाइम टेबल बनाओ कि मुझे कितने समय में किस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेना है, मुझे दिन में कितने घंटे करंट अफेयर्स, कितने घंटे हिमाचल जी के, कितने घंटे जीएस के ऊपर, कितने टाइम मैंने आंसर राइटिंग के ऊपर लगाना है, कितना टाइम न्यूज़पेपर पढ़ना है, इसका एक क्लियर आइडिया आपके माइंड में रहना चाहिए ताकि जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़े आपको खुद पता चलता रहे कि क्या आप अपने स्केड्यूल को मीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या आप अपने टाइमलाइन से पीछे चल रहे हो या अपने टाइमलाइन से एडवांस चल रहे हो, तब जाकर के एग्जैक्ट एग्जाम डेट तक आपका पूरा सिलेबस भी कवर होगा, आपको रिविजन का भी टाइम मिलेगा, आपको प्रैक्टिस भी टाइम मिलेगा। तो अगर आपने अपनी तैयारी बिना किसी प्लान के, बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी टाइम टेबल के स्टार्ट की है तो अभी अपना प्लान तैयार करो, अपना टाइम टेबल तैयार करो। दूसरी मिस्टेक जो बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं वो क्या करते हैं कि पीवाईक्यूज को इग्नोर कर देते हैं। पीवाईक्यूज को इग्नोर कर दिया, हमें सिलेबस पता है लेकिन हमें यह नहीं पता कि सिलेबस के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मुझे हिमाचल जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में, लेकिन हिमाचल हिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिमाचल का जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, उसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। अगर मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं तो इकोनॉमी ऑफ हिमाचल या इकोनॉमी ऑफ इंडिया में किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें हमें पता लगती हैं आफ्टर एनालाइजिंग पीवाईक्यू। PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देख करके आपको पता चलेगा कि पूरे सिलेबस के अंदर से कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपकी ज्यादा मेहनत और ज्यादा समय लगने वाला है और उसके हिसाब से फिर जो आपका प्लान बन रहा है उसके अंदर आप उसको इंकॉर्पोरेट करते हो। सो हमेशा एग्जाम, मैंने माना कि अभी आपने पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी आपका सिलेबस भी पूरा कवर नहीं है, लेकिन पीवाईक्यू देख के आपको एटलीस्ट इतना तो अंदाजा लगेगा कि हिस्ट्री में कौन सा सेक्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है, करंट अफेयर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या मुझे ज्यादा क्वेश्चन स्कीम्स के ऊपर आ रहे हैं या मुझे ज्यादा क्वेश्चन अवार्ड्स के ऊपर या स्पोर्ट्स के फील्ड से आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं वो आपने एक बार समझ लिया तो उसके बाद आपका काम जो है आसान हो जाता है, प्लान बनाने का भी, टाइम टेबल बनाने का भी और अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का भी। क्लियर है? तीसरी मिस्टेक, अब ये मिस्टेक कुछ एस्पिरेंट्स में बहुत कॉमन है लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स इसे बिल्कुल भी कमिट नहीं करते, वो क्या है कि अंडर एस्टिमेटिंग
सी सेट। कई एस्पिरेंट्स मैंने देखे हैं जिसमें से मैं भी एक बार को हुआ करता था कि हमें लगता था कि प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ एक पेपर होता है वो है जीएस का, और जीएस की तैयारी करते करते हमने बहुत सारा समय गुजार दिया। लगता था कि प्रीलिम्स के एक दो तीन तीन दिन पहले हम सीसेट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, कुछ टिपिकल फॉर्मूलाज देख लेंगे, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, सिर्फ 33% मार्क्स तो लाने होते हैं सीसेट में। लेकिन यही गड़बड़ जो है बहुत सारे एस्पिरेंट्स की सिलेक्शन को रोक देती है। प्रीलिम्स के पेपर वन में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बाद भी अगर सीसेट में नहीं स्कोर कर पाए 33% मार्क्स, तो कोई फायदा आपका नहीं होने वाला है, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंस एग्जामिनेशन। और मैंने ऐसे बहुत एस्पिरेंट्स को भी देखा है जो सीसेट में बहुत कम मार्जिन से क्वालिफाइंग मार्क्स लाने से भी चूक गए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो पेपर टू है वो कोई बहुत ईजी पेपर नहीं आता है, वो पेपर लेंथी होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, पजल्स होती हैं, रीजनिंग की कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस बहुत लंबे होते हैं जिसे पढ़ने में आपको काफी समय लगता है। तो ऐसा आप बिल्कुल मान के मत चलो, बिल्कुल थंब रूल लेकर मत चलो कि आपका 33% मार्क्स सीसेट में बिल्कुल आएगा। सीसेट की रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, भले ही आप मैथ्स के बैकग्राउंड से आते हो, साइंस के बैकग्राउंड से आते हो, धुआंधार इंजीनियर रहकर आ रहे हो और बहुत भरोसा है आपको अपनी मैथमेटिकल स्किल्स के ऊपर, इंग्लिश स्किल्स के ऊपर, मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, लेकिन फिर भी आपको सीसेट की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। डिपेंडिंग कि आपको कितना कंफर्टेबल लगता है सीसेट, आप हफ्ते में एक बार, हफ्ते में दो बार, या हर रोज अगर आप चाहो एटलीस्ट सीसेट की थोड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो, टच में सीसेट के आप बने रहो। क्लियर है? अब फोर्थ मिस्टेक जो बहुत भारी पड़ती है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, दैट इज एग्जाम की नोटिफिकेशन आई है, एग्जाम की तैयारी भी अभी शुरू नहीं हुई है और मुझे भरोसा हो चुका है कि अब से एक साल बाद मैं हिमाचल में एसडीएम बनने वाला हूं, मैं हिमाचल में तहसीलदार बनने वाला हूं, मैं हिमाचल में बीडीओ बनने वाला हूं और मेरा डे ड्रीमिंग स्टार्ट हो चुका है। मैंने अभी प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं किया, एग्जामिनेशन के अंदर चीजों को समझना, पढ़ना, प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट नहीं किया है, मैं सीधा जो एंड रिजल्ट है उस एंड रिजल्ट को सच मान के बैठ जाता हूं। मन में फीलिंग आ जाती है हमारे कि यार मैं हमेशा से स्कूल में अच्छा करता आया हूँ, कॉलेज में अच्छा करता आया, यूनिवर्सिटी में मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, इस एग्जाम में भी मैं पूरी जी जान से मेहनत करूंगा तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? सिलेक्शन जरूर होगा, सिलेक्शन होने के बाद सरकारी गाड़ी मिलेगी, सरकारी घर मिलेगा, मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, समाज में अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, मम्मी पापा कितने खुश होंगे, दोस्त कितने खुश होंगे। अब ये सारी चीजें हमारे माइंड में अगर चलने लग जाएं, हमारा फोकस डाइवर्ट करने लग जाएं, तो ये सारा काम कौन करेगा? कौन आपका प्लान बनाएगा? कौन आपके पीवाईक्यूज पढ़ेगा? कौन सी सेट की प्रैक्टिस करेगा? इतना सारा जीएस का सिलेबस कौन पढ़ेगा? मेंस आंसर राइटिंग कैसे होगी? फोकस डाइवर्ट नहीं होने देना है। तो हमेशा मेक श्योर कि डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। और ये कोई सुनने में बहुत इजी काम लगता है कि अरे सर हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते, लेकिन ये चीजें आ जाती हैं। घर पे दोस्त आएंगे, दोस्त आपसे पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, आप बोलेंगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ एचपीएस प्रीलिम्स के लिए, वो कहेंगे कि वाह तू तो एक साल बाद लगने वाला है एसडीएम, तू एक साल बाद लग जाएगा वीडियो, हमें भूल तो नहीं जाएगा। और वो जो बातें हैं वो आपके मन को धीरे धीरे अंदर अंदर खुश कर रही होती हैं। आप खुद को ही मान के बैठ गए हो कि अगले हिमाचल के एसडीएम आप बनने वाले हो, हिमाचल के अंदर अगली क्रांति आप लाने वाले हो। लेकिन उस क्रांति के चक्कर में यहां पर जो आपका पेपर क्लियर करने की भ्रांति है वो भ्रांति आपकी बहुत नुकसान कर जाएगी। ठीक है, सो ऑलवेज मेक श्योर कि प्रोसेस पे ज्यादा आपका ध्यान हो, अपने स्केड्यूल के ऊपर आपका ज्यादा ध्यान हो, एग्जाम के क्वेश्चंस के ऊपर आपका ध्यान हो, सिलेबस के ऊपर आपका ध्यान हो, खुद को मोटिवेट करो आप, लेकिन खुद को ओवर कॉन्फिडेंट बना के सीधा रिजल्ट के बारे में मत सोचने लग जाओ कि जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं इंटरव्यू में क्या क्या बोलूंगा, किस किस को मैं श्रेय दूंगा अपनी सक्सेस का, कैसे मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा, ये सब सोचने का समय नहीं होना चाहिए आपके पास। आपके पास टाइम बहुत कम है और सारा का सारा टाइम डे ड्रीमिंग पे ना जा करके सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई पे जाना चाहिए। क्लियर हो चुका है? लास्ट मिस्टेक जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जाने अनजाने में कर जाते हैं कि हिस्ट्री आती है हिमाचल की, हिस्ट्री आती है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल की पेपर के अंदर। अब मैंने मोटी मोटी किताबें खरीद ली हैं, इंडियन हिस्ट्री की भी, हिमाचल हिस्ट्री की भी, और मैं इसको पूरा चाट जाऊंगा, मैं इसमें एक्सपर्ट बन जाऊंगा। और जो चीजें मैंने एक वॉर के बारे में पढ़ा, हिमाचल के अंदर अगर कोई दो राजाओं में लड़ाई हुई है, अब मुझे उस लड़ाई के बारे में इंफॉर्मेशन बलोकरा से मिल गई है, लेकिन अब मैं विकिपीडिया पे जाकर भी पूरा रिसर्च करूंगा कि ये लड़ाई क्यों हुई, ये लड़ाई कैसे रुक सकती थी, इस लड़ाई के बाद क्या हुआ, और एक से लेकर दूसरी, दूसरे से लेकर तीसरी, हम चीजों में बह जाते हैं। मैंने पढ़ा कि साइंस के अंदर
पॉल्यूशन जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जाती है एटमॉस्फेयर में, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। अब मैं उसमें रिसर्च करने लग जाऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और कौन सी गैसेस से ग्लोबल वार्मिंग होती है, उन गैसेस का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, उन गैसेस को बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, उन गैसेस के डीके करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, तो भाई हर सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है कि आप उसमें पीएचडी कर लो, आप उसमें डॉक्टरेट कर लो, अपने आप को फील्ड का एक्सपर्ट बना लो। आपका ऑब्जेक्टिव एक्सपर्ट बनना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जाम क्लियर करना। एग्जाम क्लियर करने के लिए जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जो टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं, सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन आपको रखनी है। आपको हर टॉपिक के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप उसके जनरल क्वेश्चंस का आंसर कर दो। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन करने अगर आप घुस गए तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका एफर्ट भी वेस्ट होगा, और आपने जो अपनी स्केड्यूल बनाया है, जो अपना टाइम लाइन बनाया है, वो भी आप पूरा नहीं कर पाओगे। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी रहती थी दोस्तों, कि जब मैंने बुक्स के अंदर या एनसीईआरटी के अंदर या किसी सोर्स में मैंने किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ लिया और मेरा इंटरेस्ट जाग गया उस टॉपिक में, तो अब मैं विकिपीडिया, गूगल, हर जगह जाकर के उस टॉपिक की बिल्कुल बाल की खाल तक पहुंच जाऊंगा और मैं बिल्कुल उस पर रिसर्च करने के मूड में आ जाऊंगा। लेकिन इतनी ज्यादा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको नहीं चाहिए होती है स्पेस एग्जाम में। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आप अलग करते हैं, ठीक है, वहां पर आपकी एक्सपर्टीज जरूरी है, और वो भी एक्सपर्टीज सिर्फ एग्जाम के दायरे में होनी चाहिए। इतनी एक्सपर्टीज नहीं कि आपको किसी प्रोफेसर के जॉब पे बुला लिया जाए किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो इन सभी मिस्टेक्स का आपको ध्यान रखना है, एक प्लान्ड तरीके से टाइम बाउंड मैनर के अंदर अपनी तैयारी करनी है और टाइमली अपने आप को मॉनिटर करते रहना है कि आपका प्रोग्रेस कहां तक पहुंचा। PYQs को जरूर से जरूर आप एनालाइज करेंगे, अगर PYQs को इग्नोर कर देंगे और सीधा पढ़ने बैठ जाओगे तो ये फिफ्थ डेंजर होने का खतरा रहता है कि आपको पता ही नहीं है कि मुझे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं हर तरीके की चीज पढ़ते जा रहा हूं, एक्सपर्ट बनने की तरफ निकल चुका हूं, ठीक है। CSAT को अंडरएस्टिमेट नहीं करेंगे, भले ही हमारी मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी थोड़ी रेगुलर प्रैक्टिस हम CSAT की लगा कर रखेंगे। एक साल की मेहनत जो GS के ऊपर की वो हम वेस्ट नहीं होने देंगे सिर्फ एक दिन दो घंटे CS का पेपर बेकार हो जाने पर, ठीक है। डे ड्रीमिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे एग्जाम से जुड़ी हुई। अपने आप को अगर यूनिफॉर्म में देखना चाहते हो, किसी ऑफिसर की गाड़ी में किसी ऑफिसर की सीट पे बैठे देखना चाहते हो, तो रियलिटी में देखना, डे ड्रीमिंग में देखने का कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम, आपका एफर्ट, आपकी एनर्जी वेस्ट होने वाली है। फाइनली स्टडी टू क्रैक दिस एग्जाम, इस एग्जाम के क्वेश्चन करेक्ट आंसर करने के लिए पढ़ना है। आपको डिटेल्ड एनालिसिस हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में घुसने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि जो प्रीलिम्स के अंदर 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर वन में और 100 क्वेश्चंस पेपर टू में, उनके ज्यादा से ज्यादा सही जवाब आपको आते हों, और बाद में आपके मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके आंसर लिखने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड कि ये 5 मिस्टेक्स आपके सक्सेस के आड़े में आ सकती हैं। इफ यू आर माइंडफुल बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, इन चीजों को अवॉइड कर सकते हो तो ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है। थैंक यू, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।